जय जगन्नाथ सांग माने आज नुआ वीडियो रे गोटे नुआ निजुक्ति जहाँकी ओडिशा रेलवे तरफ आसी के भाव आप एलिजिबिलिटी हेबे तार कौन सब डिटेल्स रही चलतु जानिबा सांग माने जहाँकि एक नुआ निजुक्ति आसी अछि ओडिशा रेलवे रिक्वायरमेंट जहाँकि ईस्ट कोस्ट रेलवे ओडिशा रे तार पोस्टिंग अछि जहाँकि भुवनेश्वर रे ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जहाँ को पब्लीश करछंती एटा बाहरी पोस्ट ग्रुप बी एवं ग्रुप सी वेरियस पोस्ट पई आपण माने के भाव एलिजिबिलिटी रहिबे किंबा कैंडिडेट रो कौन क्राइटेरिया रहुछि तार कौन सब क्वालिफिकेशन रहुछि से विषय आम चलतु डिस्कशन करिबा। फास्ट तो यह ऑर्गेनाइजेशन करछंती रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जहाँकि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा यहाँ ऑर्गेनाइजेशन करछंती एवं जॉब कथा कहबा यह पूरा परमानेंट जॉब एवं कैटेगरी रहुछि एहा ओडिशा गवर्नमेंट जॉब जहाँकि आपणकर गोटे थर पोस्ट पाइला आपण परमानेंट रे ही रहिजबे एवं नेम ऑफ द पोस्ट कथा कहबा के पोस्ट एटा बाहरी देखंतु एठारे ग्रुप बी एवं ग्रुप सी मन रखंतु ग्रुप बी एवं ग्रुप सी पाई एही पोस्ट बाहरी एवं एप्लीकेशन मोड कथा कहबा यह केवर आपण अप्लाई करेंगे यह टोटाली ऑफलाइन रे अप्लाई करेंगे यार ऑनलाइन रे किसी सुविधा ही ना एवं जदि आम कह एने सब अप्लाई करेंगे एर ऑल ओडिशा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे एवं पोस्ट एही पोस्टिंग ओडिशा रो भुवनेश्वर ही आपण एही पोस्ट पाइबे। सो यहाँ प्रथम जहाँकि डिटेल्स ऑर्गेनाइजेशन एवं जॉब एवं कौन सब पोस्ट रोची सब रोची ग्रुप बी एवं ग्रुप सी पाई। सो सांग माने तो एप्लीकेशन मोड अनुसार जब आम देखिए ऑफलाइन माध्यम आपण के भाव में ऑफलाइन अप्लाई करेंगे ता मु वीडियो लास्ट को कही आपण बिना स्किप करके वीडियो शेष जाए देखंतु देखंतु यार प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहाँकि भुवनेश्वर आपण पोस्टिंग रे रहिबे जदि आपण सिलेक्शन हो देन आपण भुवनेश्वर पोस्टिंग रहिबे एवं वर्तमान तो यार डेट स्टार्ट हो सारे लास्ट डेट अच्छे 23 मे 2023 बहुत शीघ्र पाखला डेट देन आपण को पूरा वीडियो देखंतु के भाव में अप्लाई करेंगे देन आपण अप्लाई करेंगे कारण डेट वर्तमान स्टार्ट हो सारे जेंडर कथा कहबा एथरे बहुत मेल एंड फीमेल जहाँकि उभय पुरुष एवं महिला माने अप्लाई करिपारिबे। जदि आम देखिबा एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखंतु भल भाव लिखाई कैंडिडेट मस्ट हाव कंप्लीटेड 12th और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन नॉट लेस देन 50% मार्क इन एग्रीगेट जहाँकि यह रही आपण प्लस टू रे मिनिमम 50% मार्क रखिथिबा ही आवश्यक जदि 50% तौक रखुचन देन ये आपड़ एलिजिबिलिटी हे ना ये प्लस टू रहा तले देखु बर्तमान 10th पास जहाँकि 10th जदि आप पास करेंगे ता सहित ही आप आईटीआई सर्टिफिकेट भी थी दरकार किसी टेक्निकल कैटेगोरी जहाँ भी रोचे जब 10th सहित से आड होता दरकार ओनली 10th होते हम ना आदि आप प्लस टू कर देन आप प्लस टू 50% रखा दरकार जहाँकि 50% रु तलू गले आप एलिजिबिलिटी रिजेक्ट हो जाए। आम जदि एज्र लिमिट कथा देखा देन देखु सांग माने जार रिक्वायरमेंट अनुसार रोज 1/7/2023 को आपण को मिनिमम एज 18 वर्ष होता ही दरकार जहाँकि चलो ना ता पूर्व होता दरकार 18 वर्ष ही आपण अप्लाई करिपारिबे एवं मैक्सिमम हो 25 एवं 35 वर्ष मिनिममटा 18 एवं मैक्सिमम रोज 25 एवं 35। जदि आम कह यार गवर्नमेंट रूल अनुसार अतिरिक्त समय जहाँकि एक्स्ट्रा समय मिलूँ ओबीसी स्टूडेंट मान 3 वर्ष एवं एसटीएससी पीडब्ल्यूडी मान 5 वर्ष एवं एक्स सर्विस मैन मान 5 वर्ष पीडब्ल्यूडी एससी बाय एसटी मान 15 वर्ष यह यार एज लिमिट्र जहाँकि रोच क्राइटेरिया एज अनुसार किंतु मिनिमम 18 एवं मैक्सिमम 25 एवं 35 होता आपण अप्लाई करिपारिबे। सैलरी कथा देखंतु सांग माने यार जहाँकि सैलरी कौन रहुची ताहा आपण को मु यार जहाँकि नोटिस जहाँकि ओरिजिनल नोटिस रे लास्ट को आपण को पीडीएफ दे देथिबि डिस्क्रिप्शन रे लास्ट को सेटा मध्य वीडियो माध्यम रे देखेबी आपण को सैलरी केते रहुची
एवं जदि आम सिलेक्शन प्रोसेस कथा कहिबा देखंतु सांग माने मन रखंतु आपणंगर एथिरे आपण स्पोर्ट सर्टिफिकेट भी थिबा दरकार। जदि स्पोर्ट सर्टिफिकेट नाय देन आपण एलिजिबिलिटी रहिबे नाय। आपण प्लस टू सहित स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट दरकार एवं जदि आपण टेन्थ करछंती ता सहित तो आईटी टेक्नोलॉजी रो एवं जदि आम कहिबा ता सहित स्पोर्ट्स भी रहिथिबा दरकार। जदि स्पोर्ट्स नाय ताले आपण एथिपे एलिजिबिलिटी हेबे नाय। आरंभरु कहि दउछि सांग माने सिलेक्शन प्रोसेस आपणक स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट देखिकि हेबो। एवं आमे जदि एप्लीकेशन फीस कथा कहिबा देखंतु एठारे जनरल कैंडिडेट मान पई 500, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मान पई 500, ओबीसी कैंडिडेट मान पई 500, पीएसटी कैंडिडेट मान पई 250 एवं एससी एसटी कैंडिडेट मान पई 250 जाके एप्लीकेशन फी आपणक दबा को ही पड़िबो जाके एहा ओडिसा रेलवे रे ही बाहरिछि। आपण एप्लीकेशन फी ही दबा को पड़िबो एथिरे कोनोसी फ्री ही नाही। देखिबा एहार डॉक्यूमेंट कौन सब दरकार हेउची ए सब डॉक्यूमेंट थिले आपण अप्लाई करि परिबे। देखंतु आपणकर तो टेन्थ सर्टिफिकेट कंपलसरी रही था हिं दरकार एवं तार मार्कशीट्र गोटे गोटे जेरक्स जहाँकि पीडीएफ भी थिले भी चलिबो किंतु मार्कशीट्र प्लस टू प्लस थ्री सर्टिफिकेट मार्कशीट एवं कंप्यूटर सर्टिफिकेट एवं आइडेंटिटी कार्ड कास्ट सर्टिफिकेट आधार कार्ड रेसीडेंटल सर्टिफिकेट एवं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जहाँकि वर्तमान समय आपणकर फोटो यही सब डॉक्यूमेंट थिले आपण यही पोस्ट पे अप्लाई करि परिबे। डेट कथा तो आपण को आरंभ रु कहिथिले स्टार्ट हो सारे देखो ऑलरेडी स्टार्ट हो सारे लास्ट डेट थिला 23 मे भीतर आपण अप्लाई कला परे देन आपणकर एडमिट कार्ड आसी जिवो जहाँकि बहुत शीघ्र आसीबो आसीले मु आपण को जणाई देबी। एवं इंटरव्यू डेट जहाँकि प्रोसेस सरला परे जहाँ भी रहिबो तार नेक्स्ट स्टेप अनुसार आपण सेटा आगोकु ही पाइबे। एवं इम्पोर्टेंट नोट रहुची आपण माने निजर जहाँ भी डॉक्यूमेंट रहुची ताको प्रॉपर्ली केयरफुल रे आपण सेटा सबमिट करिवे। जदि आपण कौन डिगे एपट सपट करिवे देन आपण रिजेक्ट मध्ये होई परिवे। कोनोसी जति गोटिए भूल पे आपण रिजेक्ट भी मध्ये होई परिवे। याकु भल भाबरे मन रखी आपण अप्लाई करिवे एवं तार कौन रहुची इंस्ट्रक्शन ऑफलाइन माध्यम रे जो अप्लाई करिवे ता एठी भल भाबरे लेखा आइछि आपण चाहिले भी पढ़ी पारिबे। ए साइट रे भी मु डिस्क्रिप्शन रे दे देथिबि लिंक आपण लिंक ऊपर क्लिक करके आपण एठार आसिबे ए इंस्ट्रक्शन पढ़ी पारिबे देन मु आपण को भी जणै दउ जे आपण केम भली भाबरे अप्लाई करिबे। चालंतु देखिबा तो सांग माने मु एहार पीडीएफ टी जाके आपण को मु डिस्क्रिप्शन रे देथिबि। जदि आपण भी साइट के न आसिबे देखंतु एठार लेखाय जे odisha.gov.in एई वेबसाइट आपण सर्च करके आपण डायरेक्ट भी आसी पारिबे। देन आपण गोटे छोट स्क्रोल बार देखिबे स्क्रोल करिबे तळकु स्क्रोल करके आसिबे जेउठारे लेखा आइथुबो कि ओडिसा रेलवे से उपर क्लिक कला परे तळकु ही आसिबे स्क्रोल करके एवं जानिबे जे तळे लेखा आइथुबो एठारे लेखा आइथुबो इम्पोर्टेंट लिंक जहाँ कि इम्पोर्टेंट लिंक लेखा आइथुबो यार ए आउछ यार पीडीएफ आपण ऑफलाइन माध्यम के भावे अप्लाई करिबे तहार भी एठारे ए पीडीएफ रे अछि। एवं ए पीडीएफ को आसला परे आपण डायरेक्ट ए स्क्रोल करके तळु आसला परे एठी क्लिक यर उपर क्लिक करिबे। क्लिक कला परे देखंतु यार ऑफिशियली नोटिस जहाँकि एठार आसी ईस्ट कोस्ट रेलवे देखंतु नोटिफिकेशन रिक्वायरमेंट स्पोर्ट्स पर्सन आरंभरु कहिछि जदि आपण स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट थिबो देन आपण एलिजिबिलिटी हेबे नचेत नाही। देखंतु एठार देखंतु एठार स्पोर्ट्स वाइज आपणकर जहाँ भी पोस्ट रहुछि एठार सब भाबरे लेखाइछि एवं वैकेंसी देखंतु केउ पोस्ट पई केतोटी वैकेंसी टोटल तो 16 ही रहुछि यार वैकेंसी तार भल भाबरे इंस्ट्रक्शन भी दिएछि आपण पढ़िके अप्लाई करि परिबे। ग्रेड पे अनुसार आपण लेवल अनुसार आपणकर कौन सब रहुछि बी कैटेगरी बी एवं कैटेगरी सी रे देखंतु एठार कैटेगरी बी कैटेगरी सी मानक पई ओलंपिक गेम्स जैक सिनर एठार इंस्ट्रक्शन माध्यम रे एथलीट किंतु प्रथम किंतु मन रखंतु आपण स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट ही थिबा दरकार। इंस्ट्रक्शन भल भाबरे आपण पढ़िबे पढ़ला परे देन तळकु जेतळे स्क्रोल करिबे पीडीएफ टी एठार देखंतु लेखाई जे गोटे फॉर्म अछि ए फॉर्म टाकु आपण कंप्यूटर किंबा आपण जे कोनोसी सहसेवा केन्द्र को जाकि मते ए फॉर्म टाकु काढि सारला परे देन ए फॉर्म टाकु भल भाबरे फिल अप करिबे भल भाबरे जेकोसी जगार जहाँ भी लिखाई तार प्रॉपर तरीका ही लिखे लिखि सारापर ए फॉर्म टू फिल अप कर सारापर
ऊपर देथबा एड्रेस को आपण एटा सेंड करिवे से फॉर्म को तापर आपणकर कोन केम भली आबर एडमिट कार्ड आसीबो कोन आसीबो से हम नेक्स्ट वीडियो रे आपण को जणाई देबी। फॉर्म को भलो आबर फिल अप कर सला पर से एड्रेस माध्यम रे आपण पोस्ट करिवे। फॉर्म रे जदी जे कोनसी गुटी जिंस कोन भूल करते देन आपण कर रिजेक्ट होई जिवो आपण एप्लीकेशन। सो भलो आबर केयरफुली आपण फॉर्म को फिल अप करिवे देन ए एड्रेस माध्यम रे आपण पोस्ट करिवे। किंतु मन रखंतु आपण डेट 23/5/2023 पूर्वरु ही आपण पोस्ट करिवे ही दरकार।